अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने कुछ पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था, फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट आज हम उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो उसका स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट हमने सॉल्व करना है वो है पार्ट 7, जिसमें हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो है सी माइनस बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है जो पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो पैरेंथेसिस के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो है सी और बी, और उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, तो सी माइनस बी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे स्टूडेंट माइनस वन जीरो 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 माइनस टू थ्री वन वन टू, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन। देन स्टूडेंट बी मैट्रिक्स की वैल्यू वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू थ्री वन थ्री। तो ये स्टूडेंट वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है। सो माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस टू थ्री माइनस टू वन माइनस थ्री वन माइनस वन टू माइनस थ्री। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन की, अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, जीरो माइनस माइनस प्लस होगा, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा प्लस वन। जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू, और ये स्टूडेंट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गए प्लस, सो माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये स्टूडेंट हमने सी माइनस बी जो पैरेंथेसिस के अंदर पोर्शन था उसको सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है मैट्रिक्स ए के साथ। तो सबसे पहले सी माइनस बी देन माइनस ए, अब हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, उसके बाद ए मैट्रिक्स। सी माइनस बी का आंसर क्या है हमारे पास, माइनस टू वन माइनस वन माइनस टू जीरो वन माइनस टू जीरो माइनस वन माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यूज। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे वन टू थ्री थ्री टू वन वन माइनस वन जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है। सो माइनस टू माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो माइनस टू वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस जीरो। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आई लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस बी माइनस ए,
जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो राइट हैंड साइड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, c माइनस a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी हमने सबसे पहले उन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है जो क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर कौन से मैट्रिसेस हैं, c और a, इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है। सो c माइनस a इज इक्वल टू, c मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 1 1 2 ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे स्टूडेंट 1 2 3 3 2 1 1 -1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवानी है। सो सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 -1 0 -2 0 -3 0 -3 -2 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो सी माइनस ए इज इक्वल टू -1 -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 0 -3 -3 -2 -2 = -4 3 -1 = -4 3 -1 = -2 1 -1 = -0। ये स्टूडेंट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो 1 + 1 = 2 2 - 0 = 2। तो ये हमारे पास इतना पोर्शन स्टूडेंट सॉल्व हो गया सी माइनस ए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बी मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट, सो सी माइनस ए माइनस बी। सो सी माइनस ए का आंसर क्या आया स्टूडेंट, वो यहां पे हम पुट करेंगे। सो -2 -2 -3 -3 -4 2 0 2 2। उसके बाद स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन सिंबल, उसके बाद बी मैट्रिसेस की वैल्यू लिखनी है हमने 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 2 2 next 3 1 3 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो -2 - -1 -2 - -1 -1। ठीक है स्टूडेंट, -2 - -1 -3 - 1 नेक्स्ट सेकंड रो -3 - 2 -4 - -2 2 - 2 नेक्स्ट थर्ड रो 0 - 3 2 - 1 2 - 3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2 - 1 = -3 - 2। ये स्टूडेंट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, सो -2 + 1 = -1। ठीक है स्टूडेंट, -2 + 1 = -1। सो -3 - 3 - 4 - 3 - 2 - 5 - 4, और ये स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 2 होगा, सो -4 + 2 = -2 -2 - 2 = 0 0 - 3 = -3 2 - 1 = 1 2 - 3 = -1। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है c - a - b राइट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें क्या हमारे पास आंसर आया, -3 - 1 - 4। ये राइट हैंड साइड है -3 - 1 - 4। सिमिलरली सेकंड रो -5 - 2 0 - 5 - 2 0 नेक्स्ट थर्ड रो -3 - 1 - 1 -3
सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वन और माइनस वन। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रूफ किया, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 8। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, उन मैट्रिसेस को जो पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। सो a मैट्रिक्स की वैल्यूज यहां से पुट करेंगे 1 2 3 3 2 1 1 माइनस 1 0, प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू स्टूडेंट 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करवाना है। सो 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस माइनस माइनस, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1।